प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से दो दिवसीय झारखंड दौरे पर रांची पहुंच रहे हैं। आज रांची में प्रधानमंत्री के रोड शो का भी कार्यक्रम है। शाम में प्रधानमंत्री रांची पहुंचेंगे और वहां से राजभवन तक उनका रोड शो होगा। इस दौरे को लेकर कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। बीजेपी कार्यकर्ता इसे लेकर दिन रात तैयारियां कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर कार्यकर्ताओं में भी काफी उत्साह देखा जा रहा है। आपको बता दें कि जनजातीय गौरव दिवस को लेकर प्रधानमंत्री का ये दौरा है। प्रधानमंत्री कल 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा के गांव ओलिहातू जाएंगे। पीएम देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे जो बिरसा मुंडा के गांव जाएंगे। पीएम के दौरे को लेकर वहां पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। साथ ही रांची में भी आज रिहर्सल किया जाएगा, कारकेड का रिहर्सल किया जाएगा। तमाम तैयारियों को देखा जा रहा है, मॉनिटरिंग की जा रही है। एसपीजी की टीम पहले से पहुंच चुकी है। जिन जिन रूटों पर प्रधानमंत्री जाएंगे उन रूटों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होंगे। कल राज्य का स्थापना दिवस भी है और भगवान बिरसा मुंडा की जयंती भी। इस दिन को केंद्र ने जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया है और जनजातीय गौरव दिवस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं, जहां भगवान बिरसा मुंडा के गांव ओलिहातू जाएंगे। वहां भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और आज रांची पहुंचेंगे प्रधानमंत्री, उसके लिए भी पुख्ता इंतजाम सुरक्षा के नजर आ रहे हैं। तमाम प्रशासनिक महकमा अलर्ट मोड पर है, एसपीजी की टीम मौजूद है। आज भी प्रधानमंत्री के कारकेड का सुबह 9 बजे रिहर्सल किया जाएगा कि कैसे प्रधानमंत्री के काफिले को प्रोटेक्ट करना है और कैसे किस रास्ते से सुरक्षा के साथ उन्हें पहुंचाया जाएगा, इसकी रिहर्सल भी की जाएगी। सहयोगी मदन जुड़े हुए हैं इस वक्त फोन लाइन पर। मदन, प्रधानमंत्री का जो झारखंड दौरा है, रांची पहुंचेंगे शाम में, इसे लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नजर आ रहे हैं। आज भी रिहर्सल की बात कही गई है, कारकेड रिहर्सल आज किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 8 बजे रात में रांची एयरपोर्ट पहुंचेंगे और उसके बाद वो सीधे राजभवन के लिए रवाना होंगे। लेकिन इस बीच एयरपोर्ट से लेकर के राजभवन तक में कुल 9 जगहों पर बीजेपी के कार्यकर्ता, नेता और आम लोगों के द्वारा जो है उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। तो एक रोड शो की तरह जो है वो वहां तक पहुंचेंगे, तो एक भव्य स्वागत की तैयारी में बीजेपी जुटा हुआ। वहीं प्रशासनिक स्तर की बात करें तो प्रशासन के द्वारा भी पुख्ता इंतजाम किए गए। रोड के दोनों तरफ बैरिकेटिंग की गई है। 2000 से अधिक जवान और 10 से अधिक आईपीएस अधिकारियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में लगाया गया है। तो चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय झारखंड दौरे पर पहुंच रहे हैं। कल सुबह वो सबसे पहले बिरसा संग्रहालय, जो पुराना जेल है, उसमें जाकर के वो निरीक्षण करेंगे। फिर उसके बाद सीधे भगवान बिरसा के गांव ओलिहातू के लिए रवाना होंगे और फिर उसके बाद खूंटी में एक जनसभा आयोजित की गई है जिसके माध्यम से भारत विकास यात्रा की शुरुआत की जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झारखंड आगमन से बीजेपी काफी उत्साहित है। आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव को देखते हुए इस कार्यक्रम को और भी भव्य और बड़ा बनाने की कोशिश जो है बीजेपी नेता। मदन, कार्यक्रम की कुछ जानकारी मिल पाई है? आज प्रधानमंत्री एयरपोर्ट से रोड शो करेंगे, राजभवन जाएंगे, किन किन लोगों से मुलाकात होगी, क्या आज का कार्यक्रम रहेगा? देखिए, जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से कुछ सामाजिक लोगों से मुलाकात होगी। अभी फिलहाल इसकी आधिकारिक जानकारी नहीं मिल पाई है जो कितने लोगों से मुलाकात होनी है, कौन कौन लोग उस प्रधानमंत्री से वहां मिलेंगे, तो इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन कई सामाजिक संगठन के लोगों से वो मिलेंगे, ऐसी सूचना मिल रही है। अब देखना होगा कि रोड शो के बाद कितना वक्त मिल पाता है और लोगों से कितनी मुलाकात हो पाती है, कि इसके लिए हम सबों को इंतजार करना होगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 बजे के करीब रांची एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां से सीधे राजभवन के लिए निकलेंगे, जिसमें कि रोड शो करते हुए जाएंगे वो, और बीजेपी के नेता कार्यकर्ता भव्य स्वागत के लिए महिला मोर्चा के द्वारा जगह जगह रंगोली बनाई जा रही है। तो ये एक अलग तस्वीर जो है 2019 के चुनाव के बाद पहली बार देखने को मिलेगा।
चलिए मदर, नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर बीजेपी में काफी उत्साह है और भव्य तरीके से प्रधानमंत्री का स्वागत बीजेपी की तरफ से भी किया जाएगा। आज 8 बजे तक प्रधानमंत्री रांची पहुंचेंगे और एयरपोर्ट से वो राजभवन जाएंगे। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ता, बीजेपी महिला मोर्चा जगह जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए खड़ी नजर आएंगी। और जैसा मदन ने भी बताया कि रंगोली सड़कों पर बनाई जाएगी प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए। हर्ष रिजेंसी, फैमिली या फ्रेंड्स के साथ आउटिंग हो या रांची आकर ठहरना हो, या हो एनिवर्सरी, बर्थडे, मैरिज पार्टी या किटी पार्टी, या करना हो कॉर्पोरेट गेट टुगेदर, आपकी हर ओकेजन और मोमेंट को यादगार बनाने के लिए आपकी सेवा में तत्पर है होटल हर्ष रिजेंसी। 26 एसी एंड नॉन एसी रूम्स, मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट फॉर डिलीशियस फूड्स। होटल हर्ष रिजेंसी में आपके लिए उपलब्ध है हर आयोजन के लिए परफेक्ट बैंक्वेट हॉल। होटल हर्ष रिजेंसी, स्वर्णरेखा पुल, हटिया, रांची। राहुल का सपना डेस्टिनेशन वेडिंग, श्वेता को चाहिए रजवाड़ा थीम विद ग्रैंड स्टेज, पापा की टेंशन केटरर्स और फ्लोरल डेकोरेशन, और माँ चाहे बेटी का सुंदर सा मंडप। शादी की इन्हीं छोटी और बड़ी खुशियों को पूरा करने के लिए वाइल्ड वादी को चुने अपना वेडिंग वेन्यू, जहाँ अब बजेंगी शादी की शहनाइयाँ। रजवाड़ा थीम, ग्रैंड स्टेज, मंडप, बैंक्वेट हॉल, रूम, इलेक्ट्रिकल एंड जनरेटर फैसिलिटी, वाटर फैसिलिटी, हल्दी टॉप, रथ, वेंडर्स फॉर केटरिंग एंड फ्लोरल डेकोरेशन, डेस्टिनेशन वेडिंग जैसे कॉन्सेप्ट के साथ। विजिट वाइल्ड वादी वाटर पार्क रांची। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।